बांदा के शहर कोतवाली स्थित प्राचीन तालाब में मौजूद हजारों की तादाद में मछलियों की मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि तालाब में मौजूद हजारों मछलियों की मौत पानी के जहरीला होने के कारण हो गई। स्थानीय लोगों की माने तो शहर का ये तालाब बहुत ही प्राचीन समय का है। इसका जिक्र पुराणों और ऐतिहासिक किताबों में भी मिलता है। यही वजह है कि इस तालाब के प्राचीन होने के कारण इसका रखरखाव पुरातत्व विभाग के द्वारा किया जाता है। लोगों का कहना है कि उन्हें तालाब से बदबू आना शुरू हुई। जैसे ही वो लोग तालाब किनारे पहुंचे तो वहां हजारों की तादाद में मछलियां मरी हुई मिली, जिसके बाद प्रशासन को उन्होंने इसकी जानकारी दी, लेकिन कई घंटों के बाद भी अधिकारी घटना स्थल पर नहीं पहुंचे। इसमें ये घटना घटी है कि यहाँ पर अब स्वतः पैदा होने वाली लाखों मछली, चूंकि ये पुरातत्व विभाग में आता है, इसलिए इसके ठेके नहीं दिए जाते नगर पालिका या तहसील से। इसमें स्वतः जो मछलियाँ मौजूद थी वो विषैले कारणों से खत्म हो गई। जैसे ये मछली है उसमें पड़ी है, लाखों की तादाद में ये मछलियाँ इसमें मर गई हैं। 20 क्विंटल से ज़्यादा इनकी तादाद होगी। इसका जो ये गलफड़ा है, अगर ये पानी की कमी से गर्मी से मरी होती तो इसका ये लाल होता। ये चूंकि विषैले कारणों से मर रही हैं इसलिए इसका ये पीला पड़ गया है। चाहे वो फिर कभी कभी मछली पालने वाले के जो विरोधी होते हैं वो उसमें मैलीथियन नाम का पाउडर लिक्विड डाल देते हैं, उससे मर जाती है, या स्वतः गंदगी के कारण विष का जन्म हो गया हो, इससे मर गई हो, और बहुत सारी इससे भी छोटी मछलियाँ लाखों की तादाद में मौजूद हैं जो मरने के लिए मतलब जो है उतरा रही हैं, और वो कुछ देर बाद वो भी मर जाएंगी और ये प्रदूषण करेंगी। ये जानकारी आज मिल पाई है, ज़्यादा पड़ी है, इसके वजह से मुझे तो लग रहा है कोई जैसे इसमें कीटनाशक दवा डाल दी गई हो जिसके वजह से मर गई हैं मछलियाँ। मोहल्ले वालों ने किसी ने अपने समझ में आ रहा है, एक कारण ये भी गर्मी ज़्यादा पड़ने से भी मर जाती हैं मछलियाँ। ये तो नहीं समझ में आ रहा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। ये मान लीजिए कि कई क्विंटलों मछली है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा है इसकी। मैंने अधिकारियों को जानकारी दे दी है, नगर पालिका ईओ को दे दी है, नगर पालिका इंस्पेक्टर को दे दी है, माननीय अध्यक्ष जी को दे दी है इसकी जानकारी। आपको बता दें कि महाभारत काल में जब पांडव वनवास काट रहे थे तो उन्होंने यहाँ पर ही रहकर इस तालाब में स्नान किया। पहले इस तालाब को छवि झील के नाम से जाना जाता था, जैसे समय बदला इसका नाम भी बदल गया। वर्तमान में इसका नाम छवि तालाब पड़ गया। फिलहाल इस तालाब में हजारों की तादाद में हुई मछलियों की मौत ने प्रशासन को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। बांदा से जफर अहमद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।